हेलो जी जी बताएं अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर आपका। जी अंकुरी जी, अंकुर जी कब से आपके साथ ये हो रहा है? एक दो साल से आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जी। आपकी उम्र कितनी है? 22 साल है आपकी उम्र जी। अभी बहुत छोटे हैं जगमोहन जी, बार बार हाथ धोने जाते हैं, चाहे किसी से भी हाथ मिला लें, कुछ भी कर लें। ये जी, इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है आजकल प्रॉब्लम। किसी को फोबिया है, मतलब हाथ धोने की आदत पड़ जाती है, किसी को मेरा चेहरा ना गंदा हो जाए, किसी एक थॉट पे वो ऑब्सेसिव हो जाता है और उसी पे अटका रहता है। एक पर्सन अभी आए, उनको बाल अपने सेट करने की आदत थी, तो इवन मतलब उन्होंने ट्रिमिंग भी करा ली, बींग अ गुरसिक भी उन्होंने ट्रिमिंग करा ली, क्योंकि उनको लगता था मैं ठीक नहीं लग रहा, मैं ठीक नहीं लग रहा। और अब भी वो अपने बालों को एकदम ऐसे करके सेट रखते हैं, एक बाल भी इधर उधर हो जाए तो 1-1.5 घंटा वो बैठे रहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा। अगर इन दोनों चक्र की ऊर्जा को बैलेंस कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें हिप्नोथेरेपी और एक्यूप्रेशर साथ में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसमें मन की दिशा में गड़बड़ आ गई है तो मन की दिशा को सेट किया जाता है, उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखिए, जानना है कि दो मन होते हैं, एक चेतन एक अवचेतन। चेतन मन जान रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ गंदे नहीं हुए, चेतन मन जान रहा है, लेकिन वो सिर्फ 4% है। लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो इस डर में है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। सबकॉन्शियस माइंड अफेक्टेड हो चुका है। आपको उन दोनों की बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, और हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, माइंड को प्रोग्राम करके।